तो हे गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने मोबाइल से, अपने एंड्रॉइड मोबाइल से किस तरह से एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। अगर आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हैं और आप अभी तक नहीं जानते किस तरह से लोगो बनाया जाता है, तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में बारीकी से बताएंगे, एक एक स्टेप, एक एक एडिटिंग बारीकी से बताएंगे। अगर आप पूरी वीडियो वॉच करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आप एक प्रोफेशनल लोगो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना सकते हैं बहुत ही ईजी स्टेप से। इस वीडियो में मैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट बारीकी से बताऊंगा, लेकिन वीडियो को पूरी वॉच करना पड़ेगा। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लोगो बनाने के लिए गाइस एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, पिक्सआर्ट। मेरा पहले से इंस्टॉल है, मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर लेता हूं। आप प्ले स्टोर से आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। सिंपली गाइस, यहां प्लस वाला आइकन दिखाई देगा, सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के गाइस इस तरह से एक इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस यहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस शो करने लगेगा। तो सिंपली गाइस आपको यहां एडिट अ फोटो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मर्जी से लोगो बना सकते हैं। तो गाइस एडिट अ फोटो पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह से एक इंटरफेस शो हो जाता है गाइस यहां। तो यहां आप, तो गाइस इस तरह से आप यहां सर्च, कैमरा और बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो सिंपली गाइज आपको बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से बहुत सारे कलर शो हो जाता है, आप जो भी कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद गाइज इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो गाइज यहाँ आपको सर्च कर लेना है टेक्स्ट। गाइज यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, सिंपली आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। आपका चैनल का नाम क्या है, आप यहाँ चैनल का नाम इंटर कर सकते हैं। तो गाइज एग्जाम्पल के तौर पे मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ टेक्निकल गुरु। तो यहाँ सिंपली गाइज मैं टी लेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से ऑप्शन शो हो जाएगा। तो गाइज यहाँ फोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको फोन वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से बहुत सारा स्टाइलिश आ जाता है, जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो गाइज मैं किसी एक फोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली गाइज इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइज इस तरह से यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से मैनेज हो गया गाइज। और उसके बाद गाइज यहाँ आपको शो करेगा गाइज। तो यहाँ आपको देख सकते हैं गाइज, यहाँ स्टॉप वाला ऑप्शन शो करेगा। सिंपली गाइज स्टॉप वाला पे क्लिक कर देना है। तो गाइज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में पिक्सआर्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ स्टॉप वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज कुछ इस तरह से आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं गाइस, स्ट्रोक का कलर लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं, ब्लैक लगा सकते हैं या वाइट लगा सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ ब्लैक लगा देता हूँ। लगाने के बाद गाइस स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ। कम करने के बाद गाइस उसके बाद गाइस फिर से मैं टेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह से, जैसे मेरे चैनल का नाम टेक्निकल गुरु, तो मैं यहाँ जी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी सेलेक्ट करने के बाद गाइज इस तरह से आ जाता है। तो इससे यहाँ से हम इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ से थोड़ा इसको मैनेज कर लेते हैं। गाइज यहाँ से आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इस वाला कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद गाइज यहाँ स्ट्रोक है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइज यहाँ स्ट्रोक लगा सकते हैं। चलिए मैं इसका वाइट स्ट्रोक लगा देता हूँ, या ब्लैक भी लगा सकते हैं। चलिए गाइज मैं इसमें वाइट स्ट्रोक लगा देता हूँ। लगाने के बाद गाइज यहाँ से फिर से आपको स्लाइड करना है। करने के बाद गाइज यहाँ और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सोडो का, तो आप इसमें सोडो भी लगा सकते हैं। तो गाइज इसमें थोड़ा हम सोडो लगा देते हैं, और इसके बाद इसमें भी थोड़ा सोडो लगा देते हैं। तो गाइज यहाँ सोडो वाला ऑप्शन में आ जाना है। आने के बाद गाइज यहाँ सोडो लगा सकते हैं, इस तरह से सोडो लगा सकते हैं। तो गाइज इस तरह से मैनेज हो गया, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा। तो गाइज इसको हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं। करने के बाद गाइज यहाँ इसको हम थोड़ा और छोटा करने के बाद इसको मैनेज कर देते हैं। मैनेज करने के बाद गाइज, तो गाइज यहाँ स्टिकर का एक ऑप्शन शो करेगा। गाइज आप यहाँ स्टिकर ऑप्शन देख सकते हैं। सिंपली गाइज यहाँ स्टिकर वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से बहुत सारे स्टिकर आ जाएंगे। तो गाइज इस तरह से बहुत सारे स्टिकर आ जाएंगे, आप कोई सा भी स्टिकर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई सा भी स्टिकर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद गाइज आपको यहाँ ध्यान देना है, इसके बाद गाइज यहाँ ध्यान देना है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से बहुत सारे नीचे ऑप्शन शो करने लगेगा। शो करने के बाद गाइज यहाँ आप देख सकते हैं इफेक्ट, आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं।
तो गाइज ये जरूरी नहीं है, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद गाइज यहाँ बहुत सारे ऑप्शन शो करने लगा है, ऐड फोटो, आप फोटो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, चलिए कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद गाइज यहाँ फिट का ऑप्शन आता है, फिट आप फिट भी इसको कर सकते हैं, इसके बाद ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है शायद ब्रश का, सिंपली ब्रश वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ बहुत सारे ऑप्शन शो करने लगता है, तो गाइज मैं एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो गाइज किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और करने के बाद गाइज यहाँ उंगली से आपको टच करना है, टच करने के बाद गाइज इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब चाहेंगे आप कि इसको हटाना चाहेंगे गाइज, तो यहाँ एक इरेजर का ऑप्शन आता है, सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से आपको उंगली करना है, ये इरेजर हो जाएगा। उसके बाद चाहेंगे गाइज कि आप दूसरा रखना चाहेंगे, तो गाइज इरेजर करने के बाद आप चाहेंगे कि दूसरा करना चाहते हैं तो फिर से ब्रश में आ जाइए। ब्रश में आने के बाद गाइज जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आसान से कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रख देता हूँ, इसको रखने के बाद गाइज इस तरह से देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद गाइज आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से हो जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ आपको बॉर्डर का ऑप्शन दिखाता है, सिंपली बॉर्डर वाला ऑप्शन में आपको यहाँ ऐसे जितना भी स्ट्रोक लगा सकते हैं लगा दीजिए, जितना भी स्ट्रोक लगाने का मन है आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं बॉर्डर का कलर चेंज कर लेता हूँ। करने के बाद गाइज इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, मैनेज करने के बाद गाइज यहाँ से आपको दो नंबर में इसको और भी थोड़ा मैनेज कर लीजिए। करने के बाद गाइज यहाँ थ्री नंबर पे आपको इस लाइन पे आपको ऐसा कर देना है। करने के बाद गाइज इस तरह से कुछ आपका लोगो बन जाता है, इस तरह से कुछ लोगो बन जाता है। तो गाइज इसको थोड़ा हम बेक कर लेते हैं। बेक करने के बाद गाइज आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन करता है मास्क का, यहाँ से आप मास्क लगा सकते हैं। उसके बाद गाइज इसके बाद गाइज आपको यहाँ शेप मास्क दिखाई देता है, सिंपली शेप मास्क में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जो भी आप रखना चाहते हैं इस तरह से रख सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप जो भी रखना चाहते हैं इस तरह से रख सकते हैं, आसानी से आप इस तरह से रख सकते हैं। तो गाइज इसको मैं बेक कर लेता हूँ। बेक करने के बाद गाइज फिर से मैं बॉर्डर पर आ जाता हूँ, सिंपली आपको बॉर्डर पर आ जाना है। तो गाइज यहाँ बॉर्डर पर आ जाना है, बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद गाइज ये जो थ्री वाला लाइन है थ्री नंबर का, इसको आपको थोड़ा बड़ा कर देना है, इसको आपको मैनेज कर देना है। मैनेज करने के बाद गाइज यहाँ आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज इस तरह से कुछ लोग, तो गाइज मैनेज करने के बाद इस तरह से लोगो बन जाता है। लोगो बनने के बाद गाइज यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज इसको थोड़ा बेक कर लेते हैं। बेक करने के बाद गाइज यहाँ सेव का ऑप्शन दिखाई देता है, सिंपली आपको सेव कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है और ये सेव हो जाता है। तो गाइज इस तरह से आप अपने तरीके से लोगो बना सकते हैं। जो चलिए मैं दिखा देता हूँ किस तरह से मेरा लोगो बना है। तो गाइज इसको हम बेक कर लेते हैं। बेक करने के बाद गाइज यहाँ इमेज में आ जाते हैं, एल्बम में आ जाते हैं। एल्बम में आने के बाद गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए गाइज मेरा इस तरह से लोगो बन चुका है। तो आप आसानी से अपनी मर्जी से जैसा मन चाहे आप आसानी से लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।